भौतिक सुख और एक लौकिक सुख, दोनों सुख में अंतर है। भौतिक सुख के बात करें तो भौतिक सुख के बात करें तो अब उदाहरण के लिए पंडाल के नीचे बैठे पंडाल के नीचे बैठे हैं हम मन बैठे हैं तो हम मतलब गर्मी लागत है हम गर्मी लागत है, लेकिन गर्मी से निजात पाए बार बड़े बड़े कूलर लगे वो सुख है भाई। गर्मी में भी हम लोग ठंड के एहसास होते कि नहीं, ठंडा हवा चला था कि नहीं, ये भौतिक सुख है। मतलब एक प्रकृति के अलावा अलग से सुख के व्यवस्था करना या अलग कोई चीज के शौक के अनुसार वो चीज की व्यवस्था करना, जैसे कूलर रख के ठंडा हवा लाते दिन भर बन जाए बोलो, इच्छा अनुसार कोई चीज मिलाते। मतलब सीधा सीधा ये बात का कहना चाहिए कि यह लौकिक दुनिया में, यह दुनिया में लौकिक जिंदगी में अगर जिंदगी जीना है तो भौतिक सुख के कामना, तो भौतिक सुख। दूसरा अलौकिक सुख, भगवत तुलसीदास जी की भौतिक सुख काकर से मिलते इंद्री के माध्यम से, मान लो कोई चीज के चाहत है हमला, अब वो चीज हमला मिल जाए, कोई चीज के कामना है कि कोई चीज खरीदना है कि कोई लेना है या कोई मांगा है, उस वो चीज अगर हमला मिल जाए तो सुख के अनुभव होते, सुख मिलते कि नहीं। मान लो आप कहा चलने लगे ये साथ अभी फसल के धान बने होंगे बड़े जान सुखन मंगल सूत्र ले देना, मान लो ले रिश्ता, मान लो मंगल सूत्र ले रिश्ता, आप लोग सुख के अनुभव हुई कि नहीं भाई, मतलब आप लोग वो सुख की वर्षा हुई कि नहीं। तो बाबा तुलसीदास जी कहें कि ये दुनिया में जो सुख मिलते हैं वो भौतिक सुख है, लेकिन माता शत्रुपा किसकी सोई सुख, माता शत्रुपा कौन से सुख की याचना कर रही है, माता शत्रुपा शत्रुपा कौन से सुख के, तो बाबा तुलसीदास जी की सी ब्रह्म जी सुख जी अनुभवी अनुपा और अखत अनाम नाम न रूपा। अलौकिक सुख की याचना करते माता शत्रुपा के इस मतलब सुख तो दे भगवान, भौतिक सुख के अनुभव तो मुझे हो ही, दुनिया में जन्म ले थो लेकिन तू से निवेदन करत हो मुला अलौकिक सुख की भी अनुभव होना चाहिए। माता शत्रुपा के मुला अलौकिक सुख के भी अनुभव होना चाहिए, मतलब दुनिया के भगवान बहु मोला जानकारी रहना, समझे तो भाई माता शत्रुपा की से कि ते मोर बेटा यास मोर दिमाग में उत्केच मत रहा यार, ते मोर बेटा सो तो है लेकिन ते भगवान अस ये भी मोर दिमाग में रहना चाहिए। ओकरे कारण सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सरोवर के साथ सोई विवेक, विवेक की याचना ओकरे कर, विवेक मतलब बुद्धि, मुला जानकारी रहना चाहिए कि वास्तविक में ते कौन अस करके माता और शिष्य को फर्क नहीं पड़े। बहुत सारा उदाहरण लिखे ओकरे कारण माता कौशल्या के बारे में माता कौशल्या पूर्वक दिशा के साथ में माता कौशल्या के वर्णन करे बाबा तुलसीदास जी, बहुत बहुत ऐसे चीज मिलते। अयोध्या कांड अगर देखें तो अयोध्या कांड में जब राम जी का लोग आये गिन चित्रकूट में सबू जन गिन तो माता कई कई भी गिरी से माता कई कई माता सुमित्रा कौशल्या और एक दिन बाद में राजा जनक का होकर पत्नी रानी सुनैना गिन, मतलब दोनों समधीन चित्रकूट में मिले। अब सोच के देखो करके घटना आपके बीच में रखना चाहूं कि हम अगर हम अपन जवान बेटी ला काकरो घर में बहू बना के देखन तो यही सोच के तो देखन का कि जा बेटी रानी बन के जीवे है ना भाई। हम अगर बेटी ला अगर ससुराल भेजा थन तो हर माँ बाप यही चाहते कि जीवन भर बुढ़ात तक मोर बेटी के पैर में कांटा बंद करे। अब जे बेटी लाते सुख से रही थी कि देखा वो बेटी घर द्वार ना छोड़ के जंगल में खुला पैर अगर तपस्या काटे जहित बता तो माँ बाप को पर काबी।
आजकल के माँ बाप खुद इसमें चाहिए भाई यार करके चला देते महाराज दशरथ भर राम भर कैसे भाई हो और रामायण सुनते ईमान से आजकल के समझ में नहीं आया कक्का अपना कर ये समझ नहीं आया आजकल के माँ बाप होती तो एफ आई आर दर्ज करा दे देख लो दादा हो देख लो पापा हो बड़े बड़े वादा करी तो मोर बेटी रानी बनाऊंगी जब जंगल भेजे लेकिन छाती चौड़ा कर महाराज जनक के आंख से आंसू निकल के वाह बेटा वाह सीता मोर नाक लड़क रहे अरे जिस बेटी के सर पे ताज होना चाहिए ताज देखते महाराज दशरथ वो बेटी बलकल वस्त्र के साथ में जंगल में देखा थे विधाता की बुद्धि टेढ़गा के चौपाय फेन भोर पविता की का फिर टेढ़गा है कि बोले चूल्हा में जब दूध ल गरम कर थो चौपाय फेन भोर पविता की चूल्हा में जब दूध ल गरम कर थो और दूध उठना थे उफनाते हुए दूध ला कम करना है थामे कर दो कैसे कर दो पानी छेड़ देते है ना कम हो जाते या पानी नहीं है तो अब एक आठन तरीका चम्मच में हिला देते तब वो कम हो जाते या अब एक आठन तरीका आगील कम कर देते बेटा रामचरित मानस केवल सुने कथा थोड़े था वो सुनना है वो दो मिनट के बात है डोकरी दाइया डोकर बाबा मन अपन नाती सुता सुता कहानी कही जिसने कहानी कहूं बेटू भी ना तो खत्म ये सार मेरे का वो सार है जनकरी जिसको हम आदर दशरथ नाम के जरा दे तो कर चाल धर बेटा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बड़े बड़े होते हम तुझे मान के विश्वामित्र लेके मारी सात का सुबाहुल मार कर मारी सात का सुबाहुल मारे पास में आपू डर की सहल्या पत्र पर तार दी तारे बाद में घूमत घूमत जनक मोटा की राम सात सीता के लक्ष्मण साथ उर्मिला के भरत सात पांडवी के छोड़ती की सात शत्रुघ्न के शादी हो गए शादी हो बाद में महाराज दशरथ चार ठन बेटे पीछे चार ठन बहु भागे चारों बेटा चारों बहु धर वापसी में भेज खास कर दाई बन जाने से देखा रे एक लदू जब सौत्र के अपर महाराज दशरथ घरे जने दू जनी तीन तीन जसों से कौशल्या कई कई सुमित्रा कई कई काल करती राम लक्ष्मण की धर्म मां के दादा दादा वाला छोड़ भी जावी जब मन आत्म कर के गुमा गुमा कोच पटे प्लीज करे काल भूर भूमि संजय पाए पर सुप्र का आवे सुप्र का नाक काल काट दे बहरी पर लेकर खड़ो से कर सुन मार दिस मैं नाते मैं नाते मार दिस अरे रावण ने रावण मार दिस खून करे खून करे मार दिस आखिर रावण ने रावण लखन मार दिस सब लोग हमारी बात में राम वापसी होते कि राम के राज के लग गई कहीं का राज करे हमारा कालीपुर गेदार भर जनमल में बने का हाथ के सही काली का जा हाथ तुम्हें क्या सुंदर आइडिया बताए बेटा पहली मालूम रहती तो कावर अच्छा कर खर्चा करते ले बाबू बात भर थोड़ा बला देते तीन दिन के रामायण तीन मिनट में सुना देते पैसा कौड़ी पांच जटी जे पांच तीन देख लेते नासिम टिकनी मना नहीं बात तो ये ना लेकिन सुनो जरूर कहां ही सुने ही अनुमोदन करें रामचरित मानस के कथा जो है सुनने के साथ साथ चरितार्थ करने का क्रम तक है सीता नहीं बन सको दाई हो पार्वती नहीं बन सको लक्ष्मी नहीं बन सको गायत्री नहीं बन सको कौशल्या नहीं बन सको शांत जन्म भूतल नहीं बन सको गारंटी है लेकिन कम से कम ऊपर आदर्श लग एको करे जीवन में उतार सकते आंतरिक बात एको कदम तो रह सकते और जे भी एक कदम रह के में हम सफल हो गए दावा दे मत जिस दिन अगर मानस के कोई अच्छे पात्र के चरित्र के साथ में एक कदम आधा कदम भी अगर चलने में सक्षम हो गए तो मान के चलो कि उस दिन अपनी आपके मानव जीवन जो है सफल हो गया बाकी ते का थोड़ा मान सब कोई जो पाए फेन भोर बबीटा दूध जब गर्म होते तो या तो आगीर कम कर दे या तो चम्मच में हिला दे या तो पानी छिड़ दे ये दूध हम बार बार गर्म हो गई जैसे आठन एटम में फटा कर चूल्हा में फोड़ दूध भला सही मत फोड़ो तो हाथ पांच जुड़ा ये दूध हाँ बार बार गर्म हो गई आठन एटम में फटा कर चूल्हा में फोड़ो तो का हो दूध ल कौन कुकुर पूछे वो बर्तन तीन टुकड़ा हो जाए तो दूध का है अयोध्या के राज्य ही दूध है समझाता हूं बात दूध का है अयोध्या के राज्य ही दूध है और बर्तन का है बोले महाराज दशरथ बर्तन है अयोध्या के राज्य रूपी दूध ला महाराज दशरथ रूपी बर्तन में रखे ही लेकिन वो चम्मच में नहीं हिलाएगी आग ला कम भी करेगी पानी नहीं छिटेगी
तो एटम बम फटाका फोड़ दिया। अब कौन सा एटम बम फटाका, कौन सा एटम बम फटाका? बोले देव एक बार भरत ही टीका, दूसरा तापस वेश विशेष उदासी राम बनवा जाना। फटाका फूट गए। और फटाका फूटे के बाद चूल्हा खाले में फटाका फूटी बर्तन बांची। जैसे फटाका फूटी से फटाका फूटते ही महाराज दशरथ रूपी बर्तन तीन टुकड़ा हो गए। और महाराज दशरथ रूपी बर्तन जब तीन टुकड़ा हो तो महाराज दशरथ रूपी बर्तन में जो राज्य रूपी दूध रखा रही से वो जमीन में गिर गए। और गिरे हुए दूध में कौन होल कबे पे चाट लेती के कौन हो चाटने वाला नहीं, न भरत चाटा थे न राम चाटा। तो उसकी वे केस कौन, माता कौशल्या। बोलो कौन होला दोष दे की जरूरत नहीं है। काहू न कौ सुख दुख कर दाता, काहू न कौ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हम वाप अगर अपन कुछ दुख होगा सन सुख होगा सन गाई हो तो ये काकुरो केहे पड़ से नहीं, बल्कि वो दुख और सुख के बीच से हमार कर्म सम्मिलित है। ते अच्छा कर्म करबे तो तोला सुख मिलेगी, ते गलत कर्म करबे तो तोला दुख मिलेगी। ते अच्छा कर्म करबे तो तोला सुख मिलेगी, ते गलत कर्म करबे तो तोला दुख मिलेगी। ओकरे कारण जीवन में प्राप्त ल पर्याप्त समझना चाहिए। जतका मिल गए उतने में संतुष्ट रहा, प्राप्त को पर्याप्त भाव जिसे ज्यादा और समय से पहले जीवन में कोई नहीं मिले। जे खेत में हम 10 बोरा धान हर साल लुआ था, जे खेत में तुम 10 बोरा हर साल धान लुआ तो एक आस साल कहीं 5 बोरा मिले के नहीं, मान लो एक आस साल 5 बोरा मिले के नहीं ना, ईमान से पूरा इंडिया खातून डाल दे बिना 5 बोरा से एक बीजा ऊपर नहीं हो, भाग्य से ज्यादा समय से। लेकिन बात दूसरा है ना, ज्यादा मिलते तो कौन नहीं बताना, और कम मिलते ढीढ़ होना पीट देता। मान लो हर साल 10 बोरा लुआ था, 10 बोरा हो थे, एक आस साल कहीं 20 बोरा हो गए ना, तो परसद हम कौन नहीं बता 20 बोरा मिलेगी। लेकिन एक आस साल कहीं 2 बोरा मिली था, पूरा ढीढ़ होना पीट देते, 2 बोरा मिलते दुखी नहीं है। दूसरा के सुख ला देखते, दूसरा के तरक्की ला देखते, दूसरा के उन्नति, दूसरा के बढ़ते हुए कदम ला देखते। वहां डर होते कि नहीं होते, बात सारा डर होते मोल देखा तरफ कर समझते हैं। मान लो कौन ट्रैक्टर ले डरी आदमी काय कहे ट्रैक्टर ले डरी रे, ट्रैक्टर ले डरी तो कर गोठी आए कैसे लागत, मोला कैसे लागत ओकर ट्रैक्टर चलत लेकिन एकर डीजल चलत है, ओकर ट्रैक्टर चलत लेकिन एकर डीजल चलत है। हे जन आदमी पड़ोसी नेगलेटेज कर बर तपस्या करत देश के, भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान कहते वरदान महा आदमी कहते मांगू दे देवे भगवान, भगवान कहते मांग को सही, हे भगवान वरदान देना है तुम्हारा, इसे वरदान दे कोई भी एक ठन चीज मोला मिले तो उसी दू ठन मिल जाए, ये कोई वरदान है? वो अपन बंद नहीं मांगते लेकिन मारना चाहते। भगवान दे घनुक दे, अब घर में आके कहते हे भगवान मोर कर खार में खेत नहीं है, न रहे पर घर नहीं है, मोला एक एकड़ जमीन दे दे। भगवान की कृपा से तुरंत ओकर कर एक एकड़ जमीन हो तो पड़ोसी कर 2 एकड़ जमीन हो, इसने वरदान मांग मोला एक ठन मिले बोला 2 ठन। हे भगवान मोला एक एकड़ जमीन दे दे, पड़ोसी घर 2 एकड़ जमीन हो गए। एक दिन कहते हे भगवान मोर खेत में 1 ठन बोर हो जाए, पड़ोसी खेत में 2 ठन बोर हो गए। हे भगवान मोला 1 ठन ट्रैक्टर दे दे, पड़ोसी घर 2 ठन ट्रैक्टर हो गए। हे भगवान मोला 1 ठन बेटा दे दे, पड़ोसी घर 2 जुड़वा बेटा हो गए। एक दिन ओकर दिमाग खराब रही टेंशन के मारे, कहते हे भगवान मोर 1 ठन आखिर फूट जाए, पड़ोसी जुड़वा भी फूट जाए। ये सुख नहीं, माता शत्रुपा सोई सुख सोई गति, सोई सुख। बोले भौतिक सुख के साथ साथ अलौकिक सुख की कामना करती है। अलौकिक सुख मतलब ब्रह्मय सुखई अनुभवी रूपा और अखत अनामय नाम मनरूपा। संत समागम के सुख जो आज मिला थे आपला, आपला मिला थे तकदीर वाला हो, एक जतका जन्म थे तकदीर वाला हो। काय कथे आदमी मतलब तारीफ करे कैसे तकदीर वाला, ये सोई सुख के बाद बता दो। बड़े भाग मानुष तर पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, जे हा आदमी तन पाए ते बड़ा भागी है।
एकर बैठे तो वो बड़ा भागी है और घर में लात ताज के सुते तो वो बड़ा भागी है। आदमी तनवीर के मानी हो तुम्हारा संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी और हम सब सेवक अति बड़ भागी। संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी हम सब सेवक अति बड़ भागी। बड़े उग्र मूड में काम है, जवाबदारी है, वो आपके मूड में भी जवाबदारी है। आप न भी खेती खार के चिंता के, लेकिन अक्का चिंता के बाद भी आप समय निकाल के ये जगह बैठे हो तो आप बड़ा भागी नहीं हो। बोले हम सब सेवक अति बड़ा भागी, आप अति बड़ा भागी हैं। इसलिए आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ कि समय नहीं, क्योंकि जब तक ये जिंदगी का फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो नाम। सोई सुख बाबा तुलसीदास जी इसका सत्संग नहीं होते का? तो बाबा तुलसीदास जी की इसकी सुन मुनि आज समागम तोरे कहीं न जाए जस सुख मन हो रे। ये सब समागम सत्संग और सुख के बीच में एकता की प्रतीक दिखता है। एकता दिखते कि नहीं भाई? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां विपत्ति नाना।